वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन अक्टूबर 2019। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले फोन की तरफ बढ़े तो पहला फोन है Redmi Note 8 Pro। अगर इसके प्राइस की बात करें तो अराउंड 14,000 प्लस के आसपास का आएगा, और अगर इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें लगा है ऑक्टा कोर 2.3 GHz का प्रोसेसर, चिपसेट है MediaTek Helio G90T और 6GB रैम के साथ आएगा। एक बहुत ही शानदार गेमिंग फोन है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें है 6.53 इंचेस की डिस्प्ले, जो कि है IPS LCD पैनल। इसमें नहीं है आपके पास AMOLED स्क्रीन। और अगर इसके रियर कैमरा की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप है इसमें, जो कि है 64+8+2+2 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी है, जो कि क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट करती है विद सी पोर्ट। तो चलिए अपने दूसरे फोन की तरफ चलते हैं, जो कि है वीवो V17। और इसके अगर प्राइस की बात कर लें तो इसका जो प्राइस है वो है करीब अराउंड 25,000। प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर 2 GHz का, चिपसेट लगा है स्नैपड्रैगन 675, रैम है 6GB की। अपने प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा सा जो चिपसेट है मुझे लग रहा है थोड़ा कम है। डिस्प्ले पैनल इसमें 6.39 इंचेस का है, जो कि IPS LCD पैनल ही है। इसमें भी AMOLED स्क्रीन नहीं मिलेगी 25 के प्राइस रेंज में। इसमें भी क्वाड कैमरा सेटअप लगा हुआ है आपके पास 4+8+5+2 मेगापिक्सल का। फ्रंट में डुअल कैमरा है जो है 16+2 मेगापिक्सल का। और अगर बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी है, जो कि क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट करती है और इसमें LC पोर्ट है। तो चलिए तीसरे फोन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है Redmi का Note 8। अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो अराउंड 10,000 प्लस का इसका प्राइस है। और अगर स्पेक्स की बात करें तो प्रोसेसर लगा है 2 GHz का, चिपसेट है स्नैपड्रैगन 665, रैम 4GB की। डिस्प्ले है इसका 6.39 इंचेस का विद IPS LCD पैनल। इसमें भी AMOLED स्क्रीन नहीं मिलेगी आपको। क्वाड कैमरे का सेटअप है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। ये भी क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है विद 4000 mAh की बैटरी। तो चलिए अपने नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वीवो का Z5। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है अराउंड 16,000 प्लस। और अगर स्पेक्स की बात करें तो प्रोसेसर है 2.3 GHz का, चिपसेट लगा है स्नैपड्रैगन 712, 6GB रैम। एक शानदार फोन है इस प्राइस रेंज में। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.38 इंचेस का डिस्प्ले है विद सुपर AMOLED स्क्रीन। इसके रियर कैमरा में है 3 कैमरास, जो कि है 48+8+2 मेगापिक्सल, और फ्रंट शूटर है इसका 32 मेगापिक्सल का। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी है, जो क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है विद सी पोर्ट। चलिए अपने नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वीवो नेक्स्ट 3। एक शानदार फोन है वीवो का, और इसकी जो प्राइस है अराउंड 50,000 प्लस की है। तो उसमें प्रोसेसर लगा है ऑक्टा कोर 2.96 GHz का, चिपसेट है स्नैपड्रैगन 855, फ्लैगशिप लेवल का फोन है। रैम है 8GB की। जो इसका डिस्प्ले है वो है 6.89 इंचेस का विद सुपर AMOLED स्क्रीन। अगर इसमें कैमरे की बात करें तो रियर कैमरे में ट्रिपल कैमरा है 64+13+13 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। और इसमें बैटरी है 4500 mAh की विद क्विक चार्जिंग एंड विद सी पोर्ट। तो एक शानदार फोन है, थोड़ा प्राइस रेंज ज़्यादा है। ठीक है, अपने नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोन है हमारा Honor का 9X। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है अराउंड 14,000 प्लस। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर 2.27 GHz का विद चिपसेट लगा इसमें किरीन 810, रैम 4GB की। रैम थोड़ा सा इसमें कम दिख रहा है। डिस्प्ले 6.59 इंचेस का और IPS पैनल डिस्प्ले, AMOLED स्क्रीन नहीं है इसके अंदर। रियर कैमरा में है 2 कैमरास 48+2 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। और अगर बैटरी की बात करते हैं 4000 mAh की बैटरी है विद सी पोर्ट। चलिए नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला फोन है सैमसंग गैलेक्सी A60। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है अराउंड 20,500 प्लस। और अगर स्पेक्स की बात करें तो प्रोसेसर है इसमें ऑक्टा कोर 2 GHz का, चिपसेट है 675 विद रैम 6GB। अब इस प्राइस रेंज में सैमसंग को समझना चाहिए कि 2GB रैम और 675 स्नैपड्रैगन में आप 20,500 ले रहे हैं, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इसी प्राइस रेंज में इससे काफ़ी अच्छे लेवल के फ़ोन आपको मिल जाएंगे। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंच का डिस्प्ले है विद सुपर AMOLED स्क्रीन। और रियर कैमरा की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जो कि है 32+5+8 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। और जो बैटरी है वो है 3500 mAh की विद क्विक चार्जिंग सपोर्ट। नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड। बहुत ही शानदार फ़ोन लॉन्च होने वाला है, जिसका प्राइस है करीब करीब 1,40,000 के आसपास। ये फ़ोन फोल्ड हो जाता है दो हिस्सों में, बहुत ही शानदार फ़ोन है। और इसका जो प्रोसेसर है वो है ऑक्टा कोर 2.8 GHz का, चिपसेट लगा है स्नैपड्रैगन 855 विद 12GB रैम। बहुत ही शानदार डिस्प्ले 7.3 इंचेस का विद डायनेमिक AMOLED स्क्रीन। ये सुपर AMOLED से भी बेहतर स्क्रीन है।
रियर कैमरा की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 12+12+16 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट शूटर है वो है 10 मेगापिक्सल का। बैटरी है इसमें 4380 mAh की, क्विक चार्जिंग और विद सी पोर्ट। नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रियलमी का X2। अगर इसके प्राइस की बात करें तो अराउंड 16,000 प्लस का इसका प्राइस है। प्रोसेसर ऑक्टाकोर 2.3 GHz का, चिपसेट स्नैपड्रैगन 730G, अच्छा प्रोसेसर है, तेज प्रोसेसर है। रैम 6GB, डिस्प्ले 6.4 इंच का विद सुपर एमोलेड स्क्रीन। रियर कैमरा में क्वाड कैमरा सेटअप है, 64+8+2+2, और फ्रंट शूटर है 32 मेगापिक्सल का। और अगर बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी है, वुक चार्जिंग सपोर्ट है जो कि बहुत फास्ट है विद सी पोर्ट। और अपने अगर अगले फ़ोन की बात करें और आखिरी फ़ोन की बात करें तो वो है वीवो का Z5X। और इसके अगर प्राइस की बात कर लेते हैं तो यह 14,000 प्लस में आएगा, और इसका जो प्रोसेसर है वो है ऑक्टाकोर 2.2 GHz का, चिपसेट लगा है स्नैपड्रैगन 710, और रैम है 4GB। ऐसे ठीक है, लेकिन अब 6GB का ऑप्शन भी हमें इस प्राइस रेंज में मिल जाता है। तो जो डिस्प्ले है वो है 6.53 इंचेस का विद IPS LCD डिस्प्ले, नहीं है इसमें एमोलेड स्क्रीन। रियर कैमरा में 3 कैमरास लगे हैं, 16+8+2 मेगापिक्सल, फ्रंट शूटर है 32 मेगापिक्सल का। बैटरी है इसमें 5000 mAh की विद क्विक चार्जिंग, यही इसका एक प्लस पॉइंट है। तो ये फिनिश होता है हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले टेक न्यूज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।